is electrostatics. Electrostatics. Electrostatics में क्या क्या है? Electro means इलेक्ट्रो वर्ड का क्या मतलब होता है? चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, ठीक है, मूवमेंट नहीं, हम लोग स्टैटिक्स पे बात करेंगे, मतलब एट रेस्ट। तो बेसिकली इस चैप्टर में पूरा स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट होता है ना, तो पूरा फोकस हम लोग का इस चैप्टर में रेस्ट इलेक्ट्रॉन पे ही होगा, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन मूव किया तो क्या होगा? करंट हो जाएगा, और करंट हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? करंट हो गया तो फिर वो अपना चैप्टर जो होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में आ जाएगा। ओके, एक बार ये बताना, सबके बैच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट हो गया? कोई बैच जिसमें नहीं हुआ? सर नहीं हुआ सर, नहीं हुआ सर। कौन सा बैच? बैच 2, बैच 2। ओके, सुमित सर ले रहे हैं सर, एक ही मतलब शायद अगले स्टार्ट हो जाएगा, अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में हो जाएगा, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूँ, थोड़े भी डिटेल्स में ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, तुम्हें डिटेल्स में जाएगा। तो इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, दैट इज चार्ज एट रेस्ट, तो मैं बस उस पोर्शन पे फोकस करूंगा जो तुम्हारे 12th वाले पोर्शन में है। 11th वाले पोर्शन सुमित कवर कर लिया होगा, कर लेगा। सो इसमें कुछ कुछ बेसिक चीज जो 12th वाला चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए, वो सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे चार्ज, चार्ज जो है बेसिक कौन कौन से है? इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट इज चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन? वन प्रोटॉन, ये डेटा याद रखना है। एंड वन न्यूट्रॉन इज जीरो। सिमिलरली मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³⁻¹ kg। वन प्रोटॉन 1.672 × 10⁻²⁷ kg। वन न्यूट्रॉन 1.674 × 10⁻²⁷ kg। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हेवियर देन मास ऑफ प्रोटॉन। Fine, then. Answer. Okay, next. प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का मास हम लोग याद रखेंगे। इसके अलावा हमें पता है दो अगर सेम टाइप के चीज है, दो पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एंड दो अपोजिट चार्जेस है प्लस एंड माइनस, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो लाइक चार्जेस repel and unlike charges attracts, like charges repel and unlike charges attracts. अब वो कितने से attract या repel करेंगे? तो let's say हमारे पास एक charge Q1 है, एक charge Q2 है, so और इन दोनों के बीच का distance r है, so this is plus Q1, this is plus Q2. तो इस पे इधर की ओर फोर्स लगेगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इसका इधर की ओर फोर्स लगेगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये दोनों रिपेल कर रहे हैं इसलिए अपोजिट, जहां पर के का वैल्यू, के को के आता है 1/4πε₀, और इसका वैल्यू होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर।
यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का क्या मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को कितना पास करने दे, और इसका वैल्यू आता है 8.85 × 10^-12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर. मेडिकल स्टूडेंट्स मेरा कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रोस्टैट्स. लास्ट क्लास इसलिए कैंसिल हुआ था. रंजन देन बाकी लोग देवांगी शवनी समिका ओके फाइन ठीक है. तो तुम लोग का नेक्स्ट क्लास हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी करंट इलेक्ट्रिसिटी मेडिकल स्टूडेंट. अच्छा और यही अगर दो नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता, लेट्स से प्लस Q1 - Q2, तो एक दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता, मान लो r डिस्टेंस पे है, तो विथ अ फोर्स KQ1 Q2 / r² then okay next ek question karo jaise maan lo yahan par +Q - Q + Q + 2Q a find the net force on +2Q charge और जब तक हम लोग का कॉलेज का कुछ एग्जाम का नहीं आ रहा ना, तो हम लोग वही ट्राई करेंगे कि जो तुम्हारे लेक्चर्स में हो गया रेगुलर लेक्चर्स में वही चीज हम लोग अपने बोर्ड वाले लेक्चर में करें, सो दैट तुमको एक्स्ट्रा कुछ इनपुट देने का जरूरत ना पड़े ज्यादा. तो जे लेक्चर में हो गया हो या होने वाला हो KQ² / A² KQ² / A² आ रहा है या K2 KQ² / A² ओके तो देखो ये जो प्लस क्यू है ये प्लस क्यू और ये प्लस टू क्यू ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, तो प्लस टू क्यू पे इधर फोर्स लगेगा KQ 2Q / A² और ये जो माइनस क्यू है और वो प्लस टू क्यू है वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो एक फोर्स इधर इस पे इधर लगेगा KQ 2Q / A²
जब मैं डायरेक्शन दिखा दिया फोर्स का तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है. एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, 60 डिग्री, वो भी 60 होगा, तो रिजल्टेंट जो होगा वो कहीं बीच में लाई करेगा, सच दैट दिस एंगल इज 60 डिग्री. सो दो फोर्स है, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, 2KQ² / A², 2KQ² / A², तो रिजल्टेंट कहाँ होगा? एंगल बाइसेक्टर पे. सो इट विल बी 2KQ² / A² cos 60, ये एक के कारण हुआ, और इनटू 2, तो एक 2 और एक cos 60 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 2KQ² / A² अलोंग पॉजिटिव आई. Fine, then. ठीक है, तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि फोर्थ पे जिनका नहीं हुआ है वो सुमित और क्वेश्चन कराएगा फोर्थ पे, बहुत सारे अलग अलग सिचुएशन में मुझे जिसका यूज है मैं वो चीज बता रहा हूँ. तो नेक्स्ट हेडिंग दो, इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले वाले में कुछ नोट करना है किसी को या कोई डाउट? राइट, सो जैसे हम लोग दो चार्जेस पास में रखते हैं, तो जैसे ही चार्ज पास में रखा उन दोनों पे फोर्स लगने लगा, तो वो फोर्स क्यों लग रहा है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? तो जैसे तुम लोग पढ़े होगे क्लास 10 में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये नॉर्थ पोल रखा, ये साउथ पोल रखा, तो नॉर्थ से साउथ फील्ड लाइंस होते हैं ऐसे. सिमिलरली नॉर्थ से साउथ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, और जैसे ही यहां पर कोई मैग्नेटिक मटेरियल आता है इस फील्ड के कारण उस पर फोर्स लगता है. सिमिलरली जैसे ही हम लोग कोई एक चार्ज रखते हैं, कोई एक चार्ज रखते हैं पॉजिटिव हो या निगेटिव हो कोई भी चार्ज, तो वो अपने सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है. पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ऐसा होता है रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन भी होता है. अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड वाले का डायरेक्शन का बात करो तो वो सारे पॉइंट पर टैंजेंट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर होता है, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो टैंजेंट के लॉन्ग होता है हमें हर जगह, तो फील्ड का डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है. तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होता है, एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इट इज रेडियली इनवर्ड. तो जैसे ही हम लोग कोई पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज ऐसा रख दे तो फील्ड इस तरह से क्रिएट हो जाता है, आइदर रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड्स. एंड ड्यू टू दिस फील्ड, अगर मान लो यहां पर मैंने इसका चार्ज क्यू है, अगर मान लो यहां पर मैंने Q1 चार्ज रखा, लेट्स से पॉजिटिव Q1, सो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स फोर्स QE इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इन द direction of the field and negative charge experiences force QE in the direction opposite to the field, in the direction opposite टू द फील्ड, ऐसा होता है. तो जैसे मान लो अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है इस टाइप से,
अगर हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखें प्लस, तो इस पर इधर फोर्स लगेगा क्यू ई, और वही अगर निगेटिव चार्ज रखे होते तो इस पर पीछे की ओर फोर्स लगता अलोंग द फील्ड क्यू ई का। यहां तक नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। Then, okay, fine. तो देखो अगर प्लस क्यू वन यहाँ रखा है, वो क्यू चार्ज है, प्लस क्यू वन यहाँ रखा तो फील्ड यहाँ पे इधर था, तो इस पर इधर फोर्स लगेगा कितना क्यू वन ही, और उस पर मुझे पता है फोर्स कितना लगता है, फोर्स इज क्यू वन टाइम्स ऑफ ई, और मैं यहां से लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज एफ अपॉन क्यू, एफ अपॉन क्यू वन। सिमिलरली यहां पर देखो अगर ये निगेटिव चार्ज होता माइनस क्यू टू, तो निगेटिव चार्ज इधर होता, इधर फोर्स लगता। देखो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव रिपेल करता हुआ दिख रहा है, और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करता हुआ दिख रहा है। एंटी बैच टू ये दिख रहा है क्या? प्लस क्यू वन पे अब ये फोर्स लगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल किया, लेकिन वही ब्रांड माइनस क्यू टू जो चार्ज है उस पर अवे फ्रॉम द अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा। देखो प्लस और माइनस रिपेल कर रहा है, अटैक कर रहा है। सिमिलरली अगर यहाँ पर हम लोग देखो एक प्लस चार्ज रखो प्लस क्यू, तो प्लस क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, प्लस माइनस अट्रैक्ट करता हुआ दिखा, और वही अगर माइनस चार्ज रखो तो अपोजिट टू द फील्ड फोर्स लगेगा, माइनस माइनस रिपेल करता हुआ दिखता है। Then, fine. So, electric field का magnitude क्या हो गया? Electric field is force per unit charge. So, अगर मेरे पास एक चार्ज Q यहाँ पर है, positive charge, तो electric field का direction तो radially outward होगा, radially outward होगा, and magnitude will be, अगर ये plus Q charge है, तो यहाँ से अगर हम लोग r distance पे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा एंड इट विल बी के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्वेश्चन इज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, या फिर इसको प्लस क्यू और इसको माइनस क्यू कर लो। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी।
रंजन और किसी का कोई आंसर? ठीक सिंपल सा है, इस पॉजिटिव सही देवांगी, इस पॉजिटिव व्यू के कारण यहाँ पे जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, रेडियली आउटवर्ड KQ/A², और नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड अंदर की तरफ होगा टुवर्ड्स द चार्ज, दैट इज KQ/A². अगेन मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर पे होगा, सो इट विल बी KQ/A² cos 60, इसका इधर वाला कॉम्पोनेंट, इसका भी इधर वाला कॉम्पोनेंट, 2, तो रिजल्टेंट क्या आ गया KQ/A² cos y. फाइन नहीं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड पे अगेन बहुत सारे क्लास है, मतलब जिनका नहीं हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक दो क्लास हम लोग का चलेगा नॉर्मल जेई लेक्चर में, मेडिकल वाला हो गया है और NT1 हो गया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे तुम लोग का एक दो क्लास समय चलेगा, और ये वाला पोर्शन अपना 12th वाला जो स्टेट बोर्ड वाला बुक है उसमें नहीं है, उसमें यहाँ से स्टार्ट है, उसमें गॉस लॉ से स्टार्ट है। सो गॉस लॉ समझने के पहले थोड़ा सा फ्लक्स समझ लो, फ्लक्स क्या होता है, तो नेक्स्ट हेडिंग होता है फ्लक्स। फ्लक्स को हम लोग फाइ से रिप्रेजेंट करेंगे, तो फ्लक्स इज बेसिकली, अच्छा एरिया वेक्टर छूट गया ना, फ्लक्स से पहले अगर एरिया वेक्टर लिखना है तो नीचे एरिया वेक्टर भी लिख लो, एरिया वेक्टर इसको हम लोग एक ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस 2D ऑब्जेक्ट के लिए तो दो हो सकता है, जैसे अभी तुम्हारा स्क्रीन है उसके परपेंडिकुलर आउट ऑफ द प्लेन भी हो सकता है एंड इन टू द प्लेन भी हो सकता है, तो 2D ऑब्जेक्ट के लिए मैं कोई भी डायरेक्शन बोल सकता है, आइदर आउट ऑफ द प्लेन और इन टू द प्लेन, बट फॉर 3D ऑब्जेक्ट, फॉर 3D ऑब्जेक्ट इट इज रेडियली आउटवर्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक क्यूब है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा नीचे होगा, इसका अंदर की तरफ नहीं होगा, रेडियली आउटवर्ड हम लोग लेंगे,
नेक्स्ट फ्लक्स, फ्लक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं, जैसे मान लो कोई एक सीट ऑफ पेपर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उससे मान लो लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, एरिया वेक्टर इधर है, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल लेट से थीटा है, तो हम लोग फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, वेयर ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ए इज एरिया वेक्टर, और इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटेग्रल ऑफ मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ डी ए कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मान लो इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा हूं, डीए वेक्टर, सो इट विल बी फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए, दैट इज मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ डी ए कॉस थीटा। मेडिकल स्टूडेंट हम लोग सेम काम कर चुके हैं, राइट? कोई दिक्कत नहीं होगा आई थिंक। एनटी बैच 2 समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? बैच 2 बैच 1 कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। फाइन, द फ्लक्स इज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए या फिर बी डॉट डी ए, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो बी डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो ई डॉट डी ए, मान लो कोई और फिजिकल क्वांटिटी है, कोई और वेक्टर क्वांटिटी पास कर रहा है, तो लेट्स से वेलोसिटी पास कर रहा है, कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो वेलोसिटी फ्लक्स डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज वी डॉट डी ए, तो ऐसा कोई भी फ्लक्स डिफाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग दो गॉस लॉ, यहां से तुम्हारे बुक में है, सो इसके पहले वाला पार्ट मैंने बहुत जल्दी जल्दी जस्ट कवर किया है और कुछ नहीं किया है, सो यहां से अपने बुक में जो तुम्हारा स्टेट बोर्ड वाला बुक है क्लास 12th वाला, गॉस लॉ बताता है दैट फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, फ्लक्स थ्रू अ क्लोज, यहां पर ध्यान देना, क्लोज गॉसियन सरफेस इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फॉर एग्जाम्पल लेट से ये मेरा एक क्लोज गॉसियन सरफेस ऐसा किसी भी शेप का रैंडम सा 3D में, यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर एक चार्ज है -Q2, यहाँ पर एक चार्ज है +Q3, ये +Q1 है, यहाँ पे +Q4, -Q5, +Q6, -Q7, तो एक 3D में एक गॉसियन सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट है जो क्लोज्ड है ऊपर नीचे सब साइड से क्लोज्ड है, तो अगर मैं इस पे इसके पूरे एरिया पे जितना भी पॉसिबल एरिया है उस पर अगर मैं इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी ए करूं, दैट इज फ्लक्स निकालू, तो ये जो होगा वो इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा, दैट इज इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज, चार्ज कितना है अंदर में, Q1 है, Q3 है और Q2 है, तो ये इसके बराबर होगा। सर वो सम सब्ट्रैक्शन है या प्रोडक्ट है? वहां पे +Q1 +Q3 -Q2 प्रोडक्ट वो है सम है, या सम? नहीं नहीं सम है ना, +Q1 +Q3 प्रोडक्ट कैसे होगा? नहीं मतलब ऐसा ब्रैकेट में होगा। नहीं, वो -Q2 ऐसे मैंने माइनस साइन डाला वहां पे,
मतलब नेट चार्ज बेसिकली क्यू इनक्लोजेस नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन. यहाँ पे डॉट ई डॉट दिए जो है ना दैट इज बेसिकली डॉट प्रोडक्ट, ये ध्यान देना. तो अगर डॉट प्रोडक्ट है तो फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होगा या वेक्टर क्वांटिटी होगा? स्केलर. तो चाहो तो पीछे वाले उसमें लिख लेना स्केलर. Okay, fine. Next. एक फ्लक्स का क्वेश्चन करते हैं फिर गॉस लॉ पे आते हैं. एक जस्ट फ्लक्स का क्वेश्चन. लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और यहां पर मेरे पास एक क्यूबॉइड रखा हुआ है. ये क्यूबॉइड है और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है. यूनिफॉर्म मीन्स कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का मतलब है कॉन्स्टेंट इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. तो ये वाला जो फेस है क्यूबॉइड का, ये वाला फेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उसको डायरेक्टली रिसेप्ट कर रहा है 90 डिग्री पे. तो बताना है फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूबॉइड. Find the flux through the cuboid. कितना आएगा? ओके, मेडिकल स्टूडेंट्स आंसर नहीं देंगे बाकी लोग. सही है मोहित. कैसे किया मोहित? थीटा 90 डिग्री है. ओके, जीरो है. हमेशा थीटा 90 डिग्री है. कौन से फेस पे 90 है? परपेंडिकुलर एरिया. ये वाला जो फेस है
मतलब ऐसा मैं इसको तीन चार पार्ट में ब्रेक, छह पार्ट में ब्रेक कर देता हूँ, छह फेस को. लेट्स से दिस वन इज फर्स्ट फेस, तो इस फेस का एरिया वेक्टर इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180. सो थ्रू दिस फेस, फेस वन का बात कर लो, सो फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए जो बनेगा वो बनेगा मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ डी ए कॉस 180. और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है मैं उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले सकता हूँ, सो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ गया, कॉस 180 भी बाहर आ गया माइनस वन, और ये बन गया इंटीग्रल ऑफ डी ए. सो लेट्स से इसका एरिया ए है, तो ये बन जाएगा माइनस मॉड ई इंटू ए. सिमिलरली थ्रू सेकेंड का बात करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी रेडियली आउटवर्ड होगा, तो अगर हम लोग सेकेंड का बात करें तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए दैट इज इंटीग्रल ऑफ मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ डी ए कॉस जीरो, कॉस जीरो वन बन जाएगा, ई को बाहर ले लो इंटीग्रल ऑफ डी ए, तो ये क्या होगा प्लस ई ए, तो फ्लक्स थ्रू वन और टू मिला के क्या हो गया जीरो, वन और टू मिला के बाकी सारे कर्व्स बाकियों पे परपेंडिकुलर होगा. ये वाला फेस का बात करो, तो इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर, तो फ्लक्स क्या होगा इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए दैट इज डॉट मीन्स कॉस 90, कॉस 90 क्या हो जाएगा जीरो. सिमिलरली अगर हम लोग नीचे वाले फेस का बात करें तो एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल है 90, तो लेट्स से दिस इज 3 दिस इज 4, सो अगर 3 एंड 4 का बात करो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए कॉस 90 दैट इज 0. सो और बाकी दोनों 5 और 6 फेसेस जो होंगे उसके थ्रू भी सेम होगा, तो 5, 6, 3 and 4 इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए जीरो बन जाएगा, सो ओवरऑल फ्लक्स कितना आ गया प्लस ई ए माइनस ई ए दैट इज जीरो. Then, okay. Okay, next. This is it. Next case one. ये सब अपने सिलेबस में है, चार बुक में. इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर। तो जैसे मान लो अपना सीन ऐसा कुछ है कि एक बहुत बड़ा वायर है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, काफी बड़ा है, ये प्लस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी तक जा रहा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण इस टाइप का हो जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना, जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज का बताया था, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हम लोग देखे थे, तो अगर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज, जब भी इनफाइनाइट वाला सिचुएशन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर टू द सर्फेस, परपेंडिकुलरली रेडियली आउटवर्ड्स, ऐसा कुछ हो जाएगा इस टाइप से, हर तरफ बाहर निकल रहा होगा। वही अगर निगेटिव चार्ज होता तो हर तरफ से अंदर आ रहा होता होगा। अब लेट से यहां से आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका तरीका हमें बताता है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, सबसे पहले स्टेप वन सेलेक्ट ए गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस कैसे सेलेक्ट करना है वो भी हम लोग आते हैं, इनफैक्ट क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। स्टेप टू, फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये करना है। हर बार यही दो काम होगा हमारे पास, एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करना, फिर उस गॉसियन सरफेस पे नेट फ्लक्स इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हर बार यही काम। तो देखो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, क्या मैम बात आता है कि गॉसियन सरफेस कैसा ले, मतलब किस टाइप का क्लोज फिगर ले, ये नोट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाता हूँ। तो सबसे पहला काम होगा सेलेक्ट ए क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, और दूसरा फिर फ्लक्स इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट इसी में कंटिन्यू करना। अब बात आती है कि हाउ टू सेलेक्ट द गॉसियन सरफेस, हाउ टू सेलेक्ट गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोज पॉइंट, अ कॉम्बिनेशन ऑफ दोज पॉइंट वेयर magnitude of electric field is same same and angle with area vector remains constant or flux through that region b0
And then ठीक है नेक्स्ट आते हैं। अब हमें गॉसिप सरफेस ऐसा कुछ सेलेक्ट करना है, हर बार जितने सारे केस हम लोग पढ़ेंगे सब में ये चीज हमें सोचना होगा। तो अभी वाले केस में कोई एक ऐसा क्लोज सरफेस सोचो जहां पर आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो इन मैग्नीट्यूड या फिर उसका फ्लक्स जीरो हो जाए। ओके निरंजन ठीक है, बाकी लोग इंटी बैच मोहित कैसा हो सकता है इसमें? दिशा रिंजो इन्हीं मन सोचो कैसा होगा, मतलब हम लोग ऐसा कुछ ले सकते हैं क्या एक क्यूबॉइड टाइप का? Yes or no? क्या इस पे सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा या फिर फ्लक्स जीरो होगा? नहीं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है डायरेक्शन। हाँ तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन भी चेंज कर रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं ले सकते हैं क्योंकि मान लो अगर तुम ए पॉइंट लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, लेकिन ये पॉइंट लिए तो हल्का सा इधर होगा, ये पॉइंट लिए तो हल्का सा इधर होगा। पूरे लाइन के राइट साइड में कोई क्यूबॉइड ले लिया तो ओके। तो अगर तुम यहाँ पर एक क्यूबॉइड लेते हो अगर मैं यहाँ पे कोई क्यूबॉइड लेता हूँ तो ये तो दिख रहा है ना, नहीं होगा मोहित? हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा है ना। अगर हम लोग ऐसा ले मान लो एक सिलेंडर ले इस टाइप से, अरे एक सिलेंडर ले अगर हम लोग इस टाइप से, तो देखो क्या इस सिलेंडर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम होगा? अगर मैं आर रेडियस का सिलेंडर लिया हूं तो सिलेंडर एक कर्व्ड सरफेस पे, मैं फ्लैट सरफेस पे बाद में बात करता हूँ, इन दोनों पार्ट पे बाद में बात करता हूँ, ये फ्लैट सरफेस पे, कर्व्ड सरफेस का बात करूं, क्या सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा? बिकॉज ईच पॉइंट आर आइडेंटिकल विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन चार्ज। तो सारे पॉइंट आइडेंटिकल है तो इन सारे पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। और अगर हम लोग फ्लैट सरफेस का बात करें तो फ्लैट सरफेस में क्या होगा, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फ्लक्स क्या हो गया जीरो, राइट? तो यहां पे भी बात करो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर, एरिया वेक्टर इधर, फ्लक्स क्या हो गया जीरो।
ये सारे पॉइंट अगर हम लोग बात करें ऐसा, तो हम लोग क्या मिला कि आइदर फ्लक्स जीरो है टॉप और बॉटम सरफेस से, और बाकी जितने भी कॉन्टैक्ट्स जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट पे क्या बन रहा है, उन सारे पॉइंट पे ये सीन बन रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है. लेट्स से लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ द रॉड इज लैम्डा. लैम्डा याद है क्या था? हम लोग तीन टर्म पढ़े थे सेंटर ऑफ मास में. वन वाज लैम्डा, सिग्मा एंड रो. लैम्डा वाज चार्ज मास पर यूनिट लेंथ. तो सिमिलरली यहाँ पर हम लोग भी तीन टर्म डिफाइन करेंगे. द फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डेंसिटी. लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा. दिस इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. नेक्स्ट वन इज सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा. दिस इज चार्ज पर यूनिट एरिया. एंड थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दैट इज रो. दिस इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. साइन हो गया. हाँ ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन पे मतलब अब इस केस पे आते हैं कि इस केस को कैसे सॉल्व करना है. तो मैंने ऐसा गॉसियन सरफेस तो एज्यूम कर लिया. अब इस गॉसियन सरफेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट. लेट से इस सिलेंडर का हाइट है एच एंड रेडियस इज स्मॉल आर. लेट से हाइट इज कैपिटल एच और स्मॉल आर. सो फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए. और मुझे पता है फ्लैट सरफेस के थ्रू तो फ्लक्स जीरो हो गया. कर्व सरफेस के थ्रू ये बना मॉड ई मॉड डी ए. और यहाँ पर क्या होगा एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में? कॉस जीरो जीरो. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों हर पॉइंट पे सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा. सो कॉस जीरो. सो ये बन गया. और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है तो ई को बाहर ले लो. इंटीग्रल ऑफ डी ए तो ये बन गया मॉड ई और डी ए का इंटीग्रेशन बन गया 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया. एंड दिस विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इम्प्लाइज ई इंटू 2 पाई आर एच इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज. चार्ज इनक्लोज क्या होगा? लैम्डा इंटू लेंथ दैट इज लैम्डा एच बाई एप्सिलॉन नॉट. एच एच कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो जिनका भी ये नहीं हुआ है उनको सुमित प्रूफ कराएगा. सर लैम्डा इनटू एच बाय एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया?
ये जो फ्लक्स था ये किसके बराबर था? इनक्लोज साइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब इस सिलेंडर के अंदर देखो मेरा चार्ज कहाँ पर इनक्लोज हुआ, इतना चार्ज इनक्लोज हुआ ये वाले लाइन पे जो चार्ज होगा इस टर्म में, ये ठीक है, इस येलो लाइन पे क्या चल रहा है कलर का, हाँ इस येलो लाइन पे जो चार्ज होगा, तो इस येलो लाइन पे चार्ज क्या होगा, हमने अभी डिफाइन किया था लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज विल बी लैम्डा इनटू एच, तो बेसिकली दिस इज क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एच लैम्डा एच लिख दिया क्यू इनक्लोज्ड को, तो बहुत इजी था ये प्रूफ करना, काफी इजीली प्रूफ हो गया। मेडिकल स्टूडेंट्स तुम लोगों को मैंने एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवाया था कि लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, जे स्टूडेंट्स तुम लोगों को इंटीग्रेट करके वो एक प्रूफ करवाया जाएगा, तो अभी अच्छा के लैम्डा बाय डी वाला प्रूफ भी किया था, ओके फाइन ओके फाइन, ठीक है, तो ये हम लोग याद नहीं रखेंगे, मतलब लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर तुरंत में डिराइव कर देंगे, मतलब बहुत कम टाइम लगेगा ये डिराइव करने में, सीधा तुमको बस इतना सा काम है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। वैसे अगर तुमको के लैम्डा बाय डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 वाला एक्सप्रेशन याद रखना होगा, वहां से भी तुम डायरेक्टली आंसर बता सकते हो, वो ज्यादा इजी हो जाएगा। Fine, then. Next, case 2. केस टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल और हॉलो स्फीयर। तो जैसे हॉलो स्फीयर है या स्फेरिकल सेल है, तो अगर जो चार्ज होगा वो कहाँ होगा, मान लो ये स्फेरिकल सेल है बहुत थिन सा, तो हम लोग जो भी चार्ज देंगे वो हवा में तो नहीं रहेगा, मतलब अंदर में हॉलो है, स्फेरिकल सेल है तो अंदर में हॉलो है, तो जितना भी अगर हम लोग चार्ज दे रहे हैं उसको, वो सारा का सारा चार्ज कहाँ पर आया होगा, इसी पे रहा होगा, हवा पे, हवा में रहेगा नहीं, इनसाइड भी नहीं रहेगा और आउटसाइड भी नहीं रहेगा, सेमी इनफाइनाइट वायर अपने बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, मतलब मैं बस बोर्ड्स पे स्टिक कर रहा हूं। तो अगर मुझे यहां से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, केस वन, केस टू ए, आर लेस देन आर, और यहां पे चाहिए केस टू बी, आर ग्रेटर देन आर, वेयर आर इज कैपिटल आर इज द रेडियस, तो दोनों पे सोचो गॉसियन सरफेस कैसा ले और फिर प्रूफ करके देखो क्या आ रहा है।
लेस देन आर पे कैसा क्वेश्चन सरफेस लिया जाए? रिंजो कैसे कैसे करें इसको, आर लेस देन आर वाला केस, गॉसियन सरफेस कैसा ले वो बस बता दो, उसके तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ओके एनीवन एक्सेप्ट मेडिकल स्टूडेंट, कैसा लिया जाए गॉसियन सरफेस? शायद सार का स्फीयर मतलब सेल, सारे का सेल ले, फाइन बढ़िया। तो जब मैं केस 2A का बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसी को इरेज कर देता हूँ अभी, तो R लेस देन R का जब हम लोग बात कर रहे हैं तो ऐसा कुछ गॉसियन सरफेस ले लें ग्रीन वाला, तो हमारे पास आएगा इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर कोई चार्ज है क्या ग्रीन वाले सरफेस के अंदर? नहीं, जो भी चार्ज था वो उसकी सरफेस पे है, तो अंदर में चार्ज इनक्लोज तो जीरो है, और यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ डीए वेक्टर वो पूरा जीरो, हम लोग ऐसे डायरेक्टली मतलब हो भी सकता है एज्यूम करेंगे बाहर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर हम लोग को बोलना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। और वही अगर मेरा केस टू बी, जब आर ग्रेटर देन आर है, तो क्या आएगा चार्ज इनक्लोज? मान लो मैंने क्यू चार्ज दिया था, तो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको सॉल्व करो आगे क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा ऐसा होगा, एरिया वेक्टर भी इधर हर पॉइंट पे, तो ई डॉट डी ए जो होगा वो बॉडी मॉड डी ए कॉस जीरो बन जाएगा, दिस विल बिकम मॉड ई मॉड डी ए कॉस जीरो, ये हो गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड सारे आर डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट होगा, बाहर निकाल लो इंटीग्रल ऑफ डी ए दैट इज ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बन जाएगा, और ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये कैसा बिहेव कर रहा है, पॉइंट चार्ज एट सेंटर जैसा, अगर पॉइंट चार्ज उसके सेंटर पे भी रख देता है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता, के क्यू बाई आर स्क्वायर ही आता, तो बिल्कुल सेम बिहेव कर रहा है। Then तो हमें बार बार क्या करना है, अपने मन से एक ऐसा गॉसियन सरफेस, हाँ यस मैं नोट्स उस पर डाल दूंगा लिंक पे, तो हमें हर बार क्या करना है, अपने मन से एक गॉसियन सरफेस सोचना है जहां पर आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट हो, तो अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट का काम समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट क्यों ले रहे हैं,
सो दैट मैं इंटीग्रल में वो कांस्टेंट मतलब बाहर निकाल इंटीग्रेशन से बाहर डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं उसको. अदरवाइज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं निकलेगा बाहर तो उसके आगे तो हम लोग कुछ प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे. तो गॉस लॉ हमारा काम आसान कर रहा है बट पर्टिकुलरली कुछ केस में ही कर पाएगा जब मेरा मतलब सिमेट्रिक सिचुएशन होगा. अगर सिमेट्रिक ना नहीं होगा तो हम लोग गॉस लॉ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता सकते हैं. गॉस लॉ से मतलब फ्लक्स बता देंगे लेकिन एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बता पाएंगे. जैसे कि मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन जो मैं स्टार्टिंग में किया था, एक प्लस चार्ज यहाँ है, एक प्लस चार्ज यहाँ है, एक प्लस माइनस क्यू चार्ज यहाँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हम लोग गॉस लॉ से मुश्किल है बताना, राइट? ऐसे गॉस लॉ से इस केस में बता देंगे लेकिन अगर बिल्कुल ही असिमेट्रिक सिचुएशन हो तो फिर मुश्किल है. यहाँ पे थोड़ा मेहनत करके हम लोग गॉस लॉ से बता सकते हैं एंगल सर निकाल के. अच्छा केस थ्री, केस थ्री. एक्चुअली मैं तुम्हारे बुक में ये केस टू है और पिछला वाला केस वन था और ये वाला जो सबसे स्टार्टिंग में किया ना वो वाला कोई केस ही नहीं था. ये वाला कोई केस नहीं था एक्चुअली. केस वन को और केस थ्री जो मैं लिख रहा हूँ वो कंबाइन करके तुम्हारे बुक में डिस्कस कर रखा है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर. एक्चुअली दोनों सेम ही है बस वहां पर मैंने एक केस छोड़ दिया था. वहां पर जैसे आउटसाइड का तो हमने निकाल लिया था बट मान लो अगर वायर तुम्हारा ऐसा है, वायर थोड़ा थिक है, लेट्स से रेडियस ऑफ वायर इज ए, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है. तो अगेन यहाँ पर भी दो केस राइज कर सकते हैं, मतलब दो क्या चार केस राइज कर सकते हैं. पहला कि जो मेरा वायर है वो उस पे चार्ज कैसा है, उसकी सरफेस पे है या चार्ज उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो ये दो केस हो गया और दोनों केस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ निकालना है, इनसाइड निकालना है इनसाइड द वायर या फिर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द वायर निकालना है. तो ओवरऑल तुम्हारे पास चार केस बने, चारों केस को सॉल्व कर सकते हो. जैसे तुम्हारे बुक में तो बस कौन सा किया है, बुक में बस ऐसा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा मान के कर दिया है. तो इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बस सरफेस पे है तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर चार्ज बस सरफेस पे है तो इनसाइड मैं एक ऐसा गॉसियन सरफेस ले लूं. तो इनसाइड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा अगर चार्ज बस सरफेस पे है, तो चार्ज इनक्लोज विल बी जीरो, इट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला टर्म जीरो बन गया. तो यहां से क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. और आउटसाइड के लिए हमने प्रूफ कर रखा है, आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया था लैम्डा अपॉन टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर चार्ज ऑन द सरफेस ओनली. Then, okay. अगर चार्ज सरफेस पे ना होके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होता एंड लेट्स से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा रो, सो नेक्स्ट केस कर लेना,
मैं इसी में एडिट कर रहा हूँ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, थ्रू आउट द वॉल्यूम। तो मान लो यहां से r डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था, तो इनसाइड क्या आएगा, इंटेग्रल ऑफ e डॉट dA, चार्ज डेंसिटी डो मान रहे हैं, is equals to charge inflows density into volume, volume will be pi r square h, let's say height h, charge inflows upon epsilon naught. तो यहाँ से आ जाएगा electric field into flat surface, तो flux zero हो गया, तो e into 2 pi r h बन जाएगा, ये बन जाएगा rho into pi r square h by epsilon naught, h h cancel, एक पाई भी कैंसिल आउट हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया रो, एक आर भी कैंसिल आउट हो गया, आर बाई टू एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड के लिए एक बार सॉल्व करो क्या है, ऐसा गॉसियन सरफेस ले लेना, लेट्स से हाइट इज स्मॉल h, यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगेन फ्लैट सरफेस इज जीरो, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x, तो e इनटू 2 पाई x h कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू चार्ज इनक्लोज विल बी रो इनटू चार्ज, बस इतने वॉल्यूम में इनक्लोज होगा जितना ये है, तो रो इनटू पाई a स्क्वायर h बाय एप्सिलॉन नॉट, h h कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया पाई पाई कैंसिल, रो ए स्क्वायर बाई टू एक्स एप्सिलॉन नॉट। हर बार हम लोग सेम काम कर रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। राइट, यहां तक किसी को कोई डाउट, ठीक है तुम्हारे बुक के हिसाब से एक और लास्ट केस बच रहा है, बट एक्चुअली जब तुमको जेई लेक्चर में पढ़ाया जाएगा तो काफी सारे केसेस कराएंगे, कराए जाएंगे 10-11 केसेस कराए जाएंगे, तुम्हारे बुक के हिसाब से बस एक और केस बचा है, दैट इज केस 5, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन इनफाइनाइट सीट। तो जैसे मान लो ये एक थिन इनफाइनाइट सीट है, मतलब एक प्लेन पेपर मान लो, तुम्हारे पास एक सीट ऑफ पेपर है, उसमें ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी जा रहा है, तो बहुत पतला सा पेपर है, बट वो चारों डायरेक्शन में इन्फिनिटी तक जा रहा है, और उस पर चार्ज प्लस मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे पहले ये सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रहा है, सही निरंजन,
जब भी इनफाइनाइट चीज होगा ना, हमेशा परपेंडिकुलर एंड रेडियली आउटवर्ड, परपेंडिकुलर एंड रेडियली आउटवर्ड ऐसा कुछ सीन बन जाएगा ऐसा। इसके से बताओ गॉसियन सरफेस कैसा सिलेक्ट किया जाए? मेडिकल स्टूडेंट्स नहीं, ओके। मुझे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, कैसा गॉसियन सरफेस है? इस केस में हम लोग क्यूब भी ले सकते हैं, मतलब सच दैट एक्सिस ऑफ क्यूब जो है वो प्लेन को कट कर रहा है परपेंडिकुलरली, या फिर ऐसा सिलेंडर भी ले सकते हैं। सिलेंडर इज मोस्ट कॉमन, कोई भी बुक लोगे तो उसमें सिलेंडर बना रखा होगा ऐसा गॉसियन सरफेस। तो इस पर क्या होगा, फ्लैट सरफेस से फ्लक्स होगा, फ्लैट सरफेस से फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, लेकिन जो कर्व सरफेस है उसके उससे फ्लक्स क्या हो जाएगा? जीरो। सो फ्लक्स मेरा क्या होगा, इंटेग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। तो ई डॉट डी ए थ्रू कर्व सरफेस जीरो हो गया, थ्रू फ्लैट सरफेस ये बन गया टू ई ए, जहां पर ए इसका एरिया है। दिस विल बी इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। लेट्स से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो चार्ज बस यहाँ पे इंक्लोज हो रहा होगा, देखो ये वाले रीजन में जहां पर ये प्लेपर को क्रॉस कर रहा होगा, इस सिलेंडर के अंदर बस इतना चार्ज, इतने एरिया में चार्ज होगा। तो चार्ज इंक्लोज जो होगा दैट विल बी सिग्मा इनटू ए बाय एप्सिलॉन। तो यहां से आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। चार्ज इंक्लोज एक बार खुद से सोचना कैसे होगा, सिग्मा ए आया चार्ज इंक्लोज। ये चार्ज दिख रहा है बस, वो सिलेंडर जब क्रॉस कर रहा होगा तो एक ही पॉइंट पर सी टू क्रॉस किया। तो अगर मैं सिलेंडर का फ्लैट सरफेस का एरिया ए माना हूं तो वो ग्रीन सर्किट का भी एरिया ए होगा। तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज आ जाएगा सिग्मा इनटू एरिया बाय एप्सिलॉन नॉट, एरिया एरिया कैंसिल, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। ये काफी काम का डेटा है, ये याद कर लेना। बहुत जगह डायरेक्ट एप्लीकेशन आता है, और वहां कैपेसिटर में हम लोग कैपेसिटर में भी इसका डायरेक्ट एप्लीकेशन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। फाइन, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल करेंगे। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? फाइन, ठीक है, तो हम लोग आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, चलो बाय बाय। मेडिकल स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लेना इलेक्ट्रोस्टैट्स, सो दैट हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू करें, और उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर में गैप नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रोस्टैट्स बड़ा चैप्टर था, इसलिए क्लास कैंसिल किया था सैटरडे को, सो दैट थोड़ा टाइम मिले। और फिर हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैट्स और कैपेसिटर करंट इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर करने के बाद तुम लोग को फिर से गैप मिले थोड़ा सा, सो दैट वो कर लो, फिर मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। फाइन, करंट इलेक्ट्रिसिटी मिस मत करना, क्योंकि वापस से सारे क्वेश्चन रिपीट करेंगे कैपेसिटर्स में।
एवरीवन जेई और नीट, जेई और मेडिकल दोनों सेम चीज चलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में और कैपेसिटर्स में। ठीक है चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।